हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट से अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन जा सकती है। जैसे ये पॉइंट ओ है, तो इससे हम कितनी भी लाइन जा सकते हैं, इसको काट के कितनी भी जा सकती है। Only one line can be draw through given two point on a plane. जैसे ये एक लाइन है, तो इस पे दो पॉइंट है, ए और बी है ना, तो इससे दोनों पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है। अब आप कहीं से भी दूसरी लाइन नहीं लेके जा सकते हो। फिर है indefinite point are possible on a single line and these all point are called collinear। जैसे कि ये लाइन है, तो इसमें हम कितने भी पॉइंट इसमें कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। जैसे ए बी सी डी चार पॉइंट है, इसमें हम कितने भी पॉइंट बना सकते हैं अनलिमिटेड, और इन पॉइंट को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, If two line cross each other, they will be called intersecting lines. जैसे यहाँ पे दो लाइन है अपनी, एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों जब एक दूसरे को काट रहती हैं, तो एक पॉइंट बनता है, उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये दोनों लाइन हो जाएंगी फिर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। If two line never intersect, called parallel lines. It means they have no common points. जैसे कि ये दो लाइन है, तो ये parallel lines है, क्योंकि इन दोनों को हम कितना भी बड़ा कर ले, तो ये मैच मतलब एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो उसी को parallel lines कहते हैं। कोई भी दो लाइन, उनको हम कितना भी बड़ा कर ले, तो एक दूसरे को काटे ना, तो उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक्स होता है, तो वो एक पैरेलल होता है। अगर हम उसको काट देंगे, जो दोनों वो होते हैं, वो अगर एक दूसरे को काटेंगे, तो ट्रेन तो चल ही नहीं सकती है। इसलिए जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। ये मतलब एग्जांपल है पैरेलल लाइंस के। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि इस लाइन में कितने पॉइंट हैं, कितने लाइन हैं, कितने रे हैं, कितने लाइन सेगमेंट हैं। तो इसमें चार पॉइंट हैं ए बी सी डी, तो इस लाइन में चार पॉइंट्स हैं। और ये लाइन तो ऐसे एक ही है, पर इसके हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट से एक लाइन का हम नाम देते हैं, क्योंकि लाइन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, इसलिए हम इसका नाम कितनी भी तरह के दे सकते हैं, वो एक ही लाइन होगी। जैसे कि ए डी ए सी बी सी सब एक ही लाइन है। फिर रे, तो इस लाइन में टोटल 12 रे है। तो कैसे, जैसे हम मान लें कि एक रे का कि इनिशियल पॉइंट ए है, तो अब जो तो और मान लें कि बी की तरफ से लाइन आगे जा रही है, तो एक रे हो जाएगा ए बी। फिर ऐसे ही हम ए सी भी कर सकते हैं, ए डी भी कर सकते हैं, ए को इनिशियल पॉइंट लेके हम ए डी कर सकते हैं। अब मान लीजिए, अब हम बी को इनिशियल कर लें, बी को इनिशियल पॉइंट बना लें, तो बी सी एक हो रे हो जाएगा, एक बी डी हो जाएगा, और फिर सी को बना ले, तो एक सी डी हो जाएगा। फिर ऐसे ही अलग अलग मतलब रे बन जाएंगी। तो ऐसे हम करेंगे तो टोटल 12 रे बनेंगी। और हम उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम डी को इनिशियल पॉइंट बना लें, तो एक डी सी हो जाएगा, ठीक है, फिर एक डी बी हो जाएगा, ऐसे 12 टोटल रेज बन जाएंगी। और इसमें लाइन सेगमेंट कितने हैं, इस लाइन में लाइन सेगमेंट कितने हैं, तो लाइन सेगमेंट ऐसे होंगे ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ए सी
ए डी, फिर हो जाएगा आपका बी सी, बी डी, फिर सी डी, ऐसे हमारी टोटल 6 लाइन सेगमेंट बन रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, बाय।